जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और आप लोगों का बहुत सारा कमेंट आ रहा था और कल जब हम लाइव क्लास ले रहे थे तो बहुत सारे बच्चे जो है ये भी बता रहे थे कि गुरुजी जो है फॉर्म भरने का जो चार्ज है जो बिहार बोर्ड की तरफ से बताया गया है, ठीक ना, उस चार्ज से जो है अलग चार्ज लिया जा रहा है सभी कॉलेज के माध्यम से, चाहे वो सरकारी कॉलेज हो या प्राइवेट कॉलेज हो, ठीक ना। प्राइवेट कॉलेज की तो खैर बात ही आप थोड़ा सा जो है अलग कर दीजिए, क्योंकि वो प्राइवेट कॉलेज है तो उसकी कुछ अपनी चार्ज होती है, लेकिन वो बिहार बोर्ड से अलग नहीं है, इस बात को भी मानना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। हाँ, उसके बावजूद भी जो है सब जगह अलग अलग फी लिया जा रहा है, किसी से 5,000 तो किसी से 4,000, किसी से 3,500, 4,500, 4,800, 5,200, इस प्रकार का फी जो है कॉलेज के द्वारा लिया जा रहा है। तो हम आप लोगों से एक बार ये कहना चाहेंगे कि आप सभी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि आप लोगों से कितना फ़ी लिया गया है, ओरिजिनल फ़ी बताना है आपको, ठीक ना। कोई भी फालतू चीज़ आपको कमेंट में लिखने की ज़रूरत नहीं है और ये वीडियो फालतू का है भी नहीं, ठीक ना। और उसके बाद इस वीडियो को शेयर करना है आप सभी को, अपने सभी दोस्तों के साथ, सभी ग्रुप में, सभी रिश्तेदारों के साथ, जो भी बच्चे 2024 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं इंटरमीडिएट का, ठीक है ना। नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपके कॉलेज में जो है कितना फ़ी आपसे लिया गया है, कॉलेज के नाम और फी जरूर आप लिखेंगे नीचे कमेंट बॉक्स में आप सभी। अब देखिए, तो यहाँ पर आपको बता दें कि कॉलेज फॉर्म भरने का ज़्यादा फी ले रहा है, बिल्कुल ले रहा है। बहुत सारे कॉलेज जो है बिल्कुल उतना ही फी ले रहे हैं जितना कि बिहार बोर्ड के द्वारा तय किया गया है, लेकिन कुछ लोग मनमानी कर रहे हैं, अपने मन से जो है उसमें फ़ी जोड़ रहे हैं और बहुत सारा बर्डन जो है बच्चे के ऊपर डाल रहे हैं। बताइए कि यदि कोई बच्चा को जो है 5,500 रुपया और 6,000 रुपया, 6,500 रुपया कहा जाए कि आपको फॉर्म भरने का चार्ज लगेगा, बताइए वो बच्चा कहाँ से देगा। एक तो आप बच्चे का कॉलेज जो है किसी का घर यहाँ है, ठीक ना, कॉलेज जो है 50 किलोमीटर दूर है, अब वो बच्चा पहले तो ठीक तरीके से कॉलेज नहीं गया है, ठीक ना, और उसका एडमिशन जो है ज़बरदस्ती में प्राइवेट कॉलेज में हो गया है और उसकी स्थिति वैसी नहीं है कि वो जो है प्राइवेट कॉलेज का जो है फी भर पाए, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में जो है ना बच्चे, बहुत सारे बच्चे जो है यहाँ से पढ़ाई छोड़ देते हैं। अब जिसके गार्जियन को 6,500 रुपया और 7,000 रुपया नहीं होगा फी भरने के लिए, फॉर्म भरने का, क्या वो भर पाएगा फॉर्म? नहीं भर पाएगा। ये इसमें बोर्ड की गलती नहीं है, गलती उस कॉलेज की है। यदि बिहार बोर्ड ने जारी किया है कि नहीं बच्चों को फी इतना ही लेना है, तो आप उस फी से 200-400 रुपया एक्स्ट्रा ले सकते हैं, 200-400 रुपया आप एक्स्ट्रा बढ़ा कर ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप प्राइवेट कॉलेज हैं तो फिर 200-400 रुपया, 500 रुपया जो आपका एक्स्ट्रा फी लगता है आप ले लीजिए, क्योंकि आप उसी पर डिपेंडेंट है। लेकिन ये 4 गुना फी बढ़ाने का कहाँ से नियम आ गया, कौन सा ये मतलब तरीका है कि आप सीधे 4 गुने 5 गुना फी बढ़ाकर जो है बच्चों से ले, बच्चों के मजबूरी का फायदा उठाए हैं? यदि 1400 और 1500 रुपया फी बिहार बोर्ड की तरफ से जारी किया गया है और आप उसमें जो है फी लेते हैं 5,000 6,000, तो 4 गुना फी है कि नहीं है? अब 4 गुना फी बच्चा कहाँ से भरेगा, ठीक है ना। तो आप सभी एक बार नीचे कमेंट बॉक्स में नीचे लिखेंगे कि आपको जो है कितना फी लिया गया है आपके मतलब कॉलेज की तरफ से। अब आइए, जो मूल बात हम लोग करने वाले हैं वो ये है कि आप यदि गौर से देखेंगे तो आपके ऑनलाइन फॉर्म भरने का जो डेट है वो 26 तारीख से, यानी 26/8/2000, गौर करेंगे इधर, 26/8/2023 से जो है, 26/8/2023 से जो है आपका फॉर्म भरना शुरू हो गया है और इसका जो लास्ट डेट रखा गया है वो 9/9/2023 तक रखा गया है, ठीक है ना। हाँ, 9/9/2023 तक इसका लास्ट डेट रखा गया है फॉर्म भरने का। अब आपको इसी डेट के भीतर जो है अपना फॉर्म भर लेना है आसानी से, जो आप भर भी रहे होंगे। अब चलिए आपको बताते हैं कि परीक्षा शुल्क का विवरण जो है ये बिहार बोर्ड की तरफ से जो है 2024 के बोर्ड एग्जाम के लिए जो है दिया गया है। आपके आपको ये पता नहीं होगा कि आपको 1430 रुपया जो है टोटल फी लिया जा रहा है। जैसे देख लीजिए, यहाँ पर टोटल फी 1430 रुपया लिया जा रहा है, तो ये 1430 रुपया किन किन चीज़ों का फी लिया जा रहा है, ठीक ना। यहाँ पर टोटल चीज दर्शाया गया है और जब सब फी आप यहाँ ले ही रहे हैं तो फिर एक्स्ट्रा चार्ज किस बात का, टोटल फीस में इंक्लूड किया गया है। आप एक बार गौर से देखिए तो आपको पता चलेगा। यहाँ देखिएगा, परीक्षा आवेदन पत्र शुल्क 150 रुपया, आप सबको ऐड करते जाइएगा। परीक्षा शुल्क, जो आप परीक्षा देंगे उसका शुल्क 260 रुपया, लोकल लेवी का 480 रुपया, इसके बाद अंक पत्र शुल्क, जो आप एग्जाम के बाद आपका जो मार्कशीट बनकर आएगा, एग्जाम के बाद जो आपका मार्कशीट बनकर आएगा उसका फी अभी ले लिया जाता है आपसे 170 रुपया। आप देख सकते हैं यहां पर अंक पत्र शुल्क 170 रुपया है। औपबंधिक प्रमाण पत्र शुल्क, ठीक ना, जो आपका औपबंधिक प्रमाण पत्र आता है
जिसको हम लोग कहते हैं मतलब मूल प्रमाण पत्र से पहले वाला जो प्रमाण पत्र होता है जिसको प्रोविजनल कहा जाता है, ठीक है ना। तो प्रोविजनल प्रमाण पत्र का जो है आपसे 170 रुपया लिया जाता है। इसके बाद माइग्रेशन प्रभंजन शुल्क, माइग्रेशन शुल्क, जैसे मान लीजिए कि आप अब इससे 12th के बाद यहां से किसी दूसरे यदि आप बोर्ड में जा रहे सॉरी दूसरे यूनिवर्सिटी में यदि आप जाना चाहेंगे, ठीक ना, तो यहां से आपको माइग्रेशन लेकर जाना पड़ेगा, तो उसके लिए जो है 170 रुपया शुल्क रखा गया है, आप देख सकते हैं। और ऑनलाइन जो आपका फॉर्म होगा उसके लिए 30 रुपया शुल्क रखा गया है। और जब आप सबको ऐड करेंगे तो टोटल ऐड करके 1430 रुपया बनता है, जो आपको जो है बिहार बोर्ड की तरफ से जारी किया गया है, ठीक है ना। मतलब आपको 1430 रुपया देना है। अब कॉलेज क्या कर रही है इसमें कि इसमें जो है बिजली बिल, बेंच का फीस, पंखा का फीस, उसमें बागवानी का फीस, माने और अलग अलग प्रकार के फीस को जोड़कर कॉलेज फी कुछो कुछो दिस डेट जोड़कर जो है एक मोटा रकम तैयार कर लिया है, ठीक है ना। और मनमाने तरीके से बच्चों से पैसा लिया जा रहा है, 4500, 5000, 5500, 3500, 3200, 3800, जिससे जितना बन पा रहा है, ठीक ना, जिसको जितना लग रहा है उतना मतलब लूट रहा है पैसा, कुल मिलाकर लूट ही तो चल रहा है, ठीक है ना। तो इस वीडियो के माध्यम से जो है हम ये कहना चाहेंगे कि बिहार बोर्ड जो है एक बार जब फी तय कर दी है कि 1430 रुपया ही लेना है, ठीक है ना, तो आपके कॉलेज यदि सरकारी कॉलेज में है तो आप सरकारी कॉलेज में टोटल चीज़ें जो है सरकार की तरफ से आती है, चाहे वो बिजली का बिल हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का बिल हो, जो भी आपके सरकारी कॉलेज में चीज़ें आप अलग से जो दिख रहा है वो टोटल फी जो है सरकार खुद पे करती है। तो वहाँ पर तो 1430 से देने की ज़रूरत ही नहीं, उससे ज़्यादा आपको, ठीक ना, उससे ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। जो प्राइवेट कॉलेज के हैं तो वहाँ पर जो है सरकार की तरफ से उन्हें कोई मतलब पैसा नहीं दिया जाता है, तो यदि वो 2-4-500 रुपया बढ़ा कर ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। लेकिन यदि वो कॉलेज भी 5000 और 6000 रुपया फी बच्चों से ले रहे हैं तो वो भी गलत कर रहे हैं और उन्हें भी ऐसा नहीं करना चाहिए। अब आप नीचे कमेंट बॉक्स में जो लिखेंगे कि कितना फी किस कॉलेज के द्वारा लिया गया है, तो और ये वीडियो यदि उच्च अधिकारी तक पहुँचेगा, हो सकता है कि बिहार बोर्ड के अधिकारी तक पहुँचे, तो इस पर जो है कुछ ना कुछ एक्शन जरूर लिया जाएगा उनके तरफ से कि ये नहीं होना चाहिए, ठीक ना। ऐसे में बच्चों का भविष्य बर्बाद होता है और पैसा लूटने का जो ये एक मतलब तरीका चल गया है ना, ये कहीं से भी सही नहीं है। इसलिए इन चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और हम एक बार रिक्वेस्ट भी करना चाहेंगे कि यदि कोई अधिकारी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी हमारे बिहार बोर्ड के अधिकारी हैं, यदि इस वीडियो को देख रहे हैं तो एक बार ज़रूर जो है इस बात पर फैसला लें, जैसे कि बहुत सारी चीज़ें जो है सुधार हुई है तो इसमें भी क्यों ना सुधार किया जाए, हैं। इन चीज़ों पर भी एक बार ध्यान देने की ज़रूरत है कि बच्चों से जो है मनमाना फी लिया जा रहा है कॉलेज के द्वारा और बच्चे परेशान हैं, बच्चे बहुत परेशान हैं, ठीक ना। अलग अलग प्रकार का फी लिया जा रहा है, ठीक है, जिसको जितना मन में आ रहा है फी बच्चों के ऊपर डाल रहा है और ज़बरदस्ती लेना है, क्योंकि बच्चा को एग्ज़ाम देना है और बच्चे को इस बात का डर है कि यदि हम पैसा नहीं देंगे तो मेरा फॉर्म नहीं भराएगा, फॉर्म नहीं भराएगा। और ऐसा होता भी है, यदि बच्चा फी नहीं देगा 1430 रुपया लेके जाएगा ना, तो उसको कहेगा कि फॉर्म नहीं भराएगा आपका, जाइए घरे। अब बच्चे की मजबूरी है कि हमारा 1 साल 2 साल बर्बाद हो रहा है, हमारा ज़िंदगी बर्बाद हो रहा है, तो कहीं से वो पैसा जो है कर्ज लेकर, कहीं से वो इंटरेस्ट पर पैसा उठाकर जो है इस तरह से फॉर्म भर रहा है और बहुत सारे बच्चे परेशान हैं। इसलिए एक बार निश्चित रूप से जो है इन बातों पर ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। तो जो भी इससे संबंधित अधिकारी लोग हैं तो एक बार ज़रूर इस पर ध्यान दें। बच्चों का ये विशेष रिक्वेस्ट है, तो बच्चे आप तक रिक्वेस्ट यदि पहुंचाते हैं तो पता नहीं वो कौन कौन से माध्यम का प्रयोग करते हैं, तो मुझे भी जो है इसमें एक बार मौका मिला है बच्चों की तरफ से, बच्चे जब बार बार ये कह रहे थे तो हमने भी सोचा कि नहीं, बच्चों के हित की बात जो है वो निश्चित रूप से उठानी चाहिए, तो ये उनके हित के लिए है, एक बार ज़रूर आप देखेंगे। इसके अलावा देखिएगा यहाँ पर कुछ और फी जो है, ये कला विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय के समुन्नत एवं क्वालिफाइंग विद्यार्थी हेतु अनुमति शुल्क जो है 340 रुपया है। व्यावसायिक पाठ्यक्रम के समुन्नत विद्यार्थी हेतु अनुमति शुल्क जो है 340 रुपया है। ये जो है आपका ये कॉमर्स वाले बच्चों के लिए है, ये साइंस आर्ट और कॉमर्स वाले क्वालिफाइंग बच्चों के लिए है। और ये केवल व्यावसायिक यानी कि ये कॉमर्स वाले बच्चों के जो है पाठ्यक्रम के व्यावहारिक परीक्षा शुल्क जो है ऊपर से 400 रुपया उसको ऐड करके लिया जा रहा है, ठीक है ना। तो इतना फी आपको जो है आप देख सकते हैं कि आपके कॉलेज में जो है इस तरीके का फी आपसे आपको देना है, ये ओरिजिनल फी आपका है।
अब आपसे कितना लिया जा रहा है ये नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। उस समय से हम लगभग 3-4 बार ये बात बोल दी है, क्योंकि वही बात जो है ऊपर के लोगों तक पहुंचेगा। हमारी बात कितना मान्य होगा ये डिपेंड करता है कि आप कितना ज्यादा जो है नीचे लिख रहे हैं और कितना ज्यादा इस क्लास को शेयर कर रहे हैं। ये आपके हित की बात है, आप लोगों ने मुझे कहा, इसलिए हम जो है इस वीडियो को लेकर आए हैं आपके लिए। तो बस आप इसको शेयर करेंगे, ठीक है ना, और उन लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।